हेलो आर्यन। तो देखिए, इस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पर हमें एक फिगर दिख रहा है, ठीक है। तो इस फिगर में बताना है कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे, कौन हमारी रेज होगी, ठीक है। लाइन सेगमेंट्स बताने और फोर्थ हमें लाइंस बताने, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या सबसे पहले लिखते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हम क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोलिनियर पॉइंट्स की हमारी डेफिनेशन क्या होती है, जब हमारे थ्री या उससे ज्यादा पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, ठीक है। तब वो पॉइंट्स हमारे क्या हो जाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस डेफिनेशन को कौन कौन से हमारे पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, एम ओ एंड टी यहाँ पर हमारे देखिए तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे, तो इसीलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इसीलिए देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हमने लिखा है पॉइंट एम, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा है पॉइंट ओ एंड पॉइंट यहाँ पर टी, ठीक है। तो ये हमारे कोलिनियर पॉइंट हो गए। इसके बाद देखिए, हमारी यहाँ पर देखिए आर ओ और यहाँ पर हमारे एन, ठीक है। ये भी हमारी एक ही स्ट्रेट लाइन पे, तो इसीलिए ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड में देखिए लिखते हैं पॉइंट आर पॉइंट ओ एंड पॉइंट एन को, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे कोलिनियर पॉइंट। अब इसके बाद देखेंगे देखिए हमारी लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए लाइन हमारी क्या होती है, एक स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट होती है, ठीक है। और उसके जो दोनों हमारे एंड होते हैं, ठीक है, उनको अपोजिट डायरेक्शन में क्या हम एंड की इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लाइन की डेफिनेशन हो गई। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ पर देखेंगे तो हम इस डेफिनेशन के बेसिस पे यहाँ पर लाइन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखें एम और टी को, ठीक है, ये हमारे स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट है, ठीक है। और इनके देखिए, ये जो एंड पॉइंट है, ठीक है, इनको अपोजिट डायरेक्शन में एंडलेसली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरो का साइन हमारा यही शो करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक तो क्या हो जाएगी, लाइन एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, उसको लिख देते हैं देखिए यहाँ पर हमारा, ठीक है। और दूसरी लाइन देखिए यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, देखिए आर और एन भी यहाँ पर स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट है, ठीक है। और इनको देखिए, यहाँ पर इनके दोनों एंड पे हमें क्या दिख रहे हैं, एरो दिख रहे हैं, तो इनको यहाँ पर हम इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भी हमारी ये क्या हो जाएगी, लाइन को बोल देंगे आर एन, ठीक है। इसके अलावा और हमें यहाँ पर लाइन दिख रही है, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए लाइन। इसके बाद करेंगे यहाँ पर हम बात लाइन सेगमेंट की, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट की देखिए, यहाँ पर हमारी डेफिनेशन क्या होती है, देखिए लाइन सेगमेंट एक तरीके का लाइन का एक पार्ट होता है, बस इसमें क्या होता है, हमारे दो डिफाइंड एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। और यानी कि इनके जो दोनों एंड्स होते हैं, उसको हम इनफाइनाइट तक एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, एक तो हमें देखिए सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर लिखते चलते, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेगमेंट एम टी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एम और टी, ठीक है, ये हमारे देखिए इनके दो डिफाइंड एंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा सेगमेंट लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें, यहाँ पर लिखेंगे देखिए सेगमेंट आर एन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारा आर और एन भी हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर इसके बाद लिखते हैं हम यहाँ सेगमेंट ओपी एंड सेगमेंट ओ एन, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा ओपी दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ओ एन भी दिख रहा है, इनके भी दो डिफाइंड एंड पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो सेगमेंट ओ एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, लाइन सेगमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हम ओ आर भी लिख सकते हैं, देखिए ओ आर, ठीक है। ये भी हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पर सेगमेंट हमारा ओ एन, ठीक है, ये वाला देखिए ओ और हमारा एन, ठीक है। ये भी हमारी लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है, जो कि इनके भी डिफाइंड एंड पॉइंट है। तो ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, लाइन सेगमेंट। अब इसके बाद बात करते हैं लास्ट यहाँ पर रेस की, ठीक है। तो रेस यहाँ पर देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें एक हमारा डिफाइंड एंड पॉइंट होता है, जबकि दूसरा जो हमारा एंड होता है, उसको एंडलेसली हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे देखें तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं रेस हमारी क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, एक तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओ पी हमारी रेस हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एंड पॉइंट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर हमारा एक पे क्या है, एरो एक एंड पे, इसको यानी कि एक्सटेंड कर सकते हैं पॉइंट तक। एक हमारी ओ एम रे हो जाएगी, एक ओ टी रे हो जाएगी, इसी तरीके से एक ओ एस रे हो जाएगी, ठीक है, एक ओ आर हो जाएगी और एक ओ एम, ठीक है। तो इन सारी रेस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, रे ओ एम, रे ओ पी, रे ओ एन, रे ओ टी, रे ओ एस, रे ओ आर, ठीक है। तो ये हमारी सारी रेज हो गई, ठीक है। तो ये हमने वन बाय वन करके देखी, कोलिनियर पॉइंट भी देखे, लाइन भी देख ली, लाइन सेगमेंट भी देख लिया और रेज भी देख ली, ठीक है। तो अब लास्ट में देखिए क्या लिख देंगे हम, एंड ऑल रिक्वायर्ड पैरामीटर्स आर रिटर्न, ठीक है। तो जो जो हमारे आंसर थे, उसको हमने यहाँ पर वन बाय वन करके लिख दिया, ठीक है। तो हमारे फाइनल आंसर होंगे, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।